अबे कहा गया जल्दी मार जल्दी मार जल्दी मार उसको जल्दी मार कहा गया अभी पीछे देख पीछे देख अबे देख उधर देख उधर देख, देख कार के पीछे कार के पीछे देख मार जल्दी मार मारना इसको कहा गया तू यार नहीं दे रहा गेम खेल रहा हूँ दिखाई दे रहा गेम खेल रहा है दोस्तों कैसा लगा आपको अच्छा लगा ना इंटरेस्टिंग लगा ना तो अगर आप भी अपना मोबाइल में इस तरह वीडियो बनाना चाहते हो तो बहुत आसानी तरह से बना सकते हो अपने Android फोन से बना सकते हो इस तरह का इफेक्ट तो आपको क्या करना पड़ेगा पहले आपको कुछ इस तरह का वीडियो शूट करना पड़ेगा अपने फोन से जा करके फोन को कुछ एक्सट्रक्शन में रख देना है और कुछ आपको इस तरह का एक्टिंग करना है ठीक है तो कुछ आप इस तरह का एक्टिंग करेंगे उसका दूसरा वीडियो आप इस तरह का फोन रख देंगे और अपना एक्टिंग इस तरह से करेंगे ठीक है कुछ आपको इस तरह का डायलॉग बोलना है कुछ अपने फोन में जा करके कि इस तरह का कुछ डायलॉग है और इस तरह कुछ बोलना है इसके सामने दोस्तों मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं टेक्निकल तो चलो शुरू करते हैं तो काइंड मास्टर को जैसे आप खोलोगे तो कुछ आपको प्लस का आइकन का क्लिक दिखाई देगा उसको तो दिखा, देखा, देखा, क्लिक करना है क्लिक करने के बाद से जैसे आप क्लिक करोगे उसको तो आपको 16 और 9 का इस परेक्टिस दिखाई देगा उसको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद से आपको बैकग्राउंड में जाना है ठीक है तो जैसे आप बैकग्राउंड में जाओगे और आपको एक पर्टिकुलर फाइल और या तो कुछ आपको एक पी लेना है उसको लेने के बाद उसको कॉलर करके थोड़ा सा बड़ा कर लेना है जैसे आप बड़ा कर लोगे बड़ा करने के बाद उसको बड़ा करके करने के बाद उसको टिक कर देना टिक करने के बाद आप लेयर में जाकर मीडिया ऑप्शन में जाना मीडिया ऑप्शन में जाने के बाद जो अपने वीडियो अपना शूट किया अपने फ़ोन से जा करके उस वीडियो को पहले हम यहाँ पर लगाएंगे अपने फ़ोन से तो पहले हम उस वीडियो को सिलेक्ट करने के बाद उस वीडियो को हम उठा करके यहाँ रख दिए उसका स्प्लिट टू स्क्रीन पर जा करके उसको फुल कर देंगे हम ठीक है उसको टिक करके ओके कर देंगे जो हमारा फालतू पार्ट है उसको हम जा करके उसको क्लिक करके कैची पर जा करके ट्रिम टू लेफ्ट पे हेट करके काट देंगे ठीक है और इसको थोड़ा सा हम आगे बढ़ा लेंगे उसको थोड़ा सा हम आगे बढ़ा लेंगे आगे बढ़ाने के बाद से हम फिर से लेयर पे जाएंगे फिर मीडिया पे जाएंगे उसके बाद से हमारा जो दूसरा वीडियो है उसको हम उठा करके यहाँ पे लगाएंगे तो हमारा जो दूसरा वीडियो है उसको हमें यहाँ लगा दिए हैं फिर स्प्लिट टू स्क्रीन पर जाएंगे उस पर जाकर हम फोल्ड कर देंगे इसको ठीक है फिर हम कैची बजा करके फिर हम जाएँगे कैची जाएंगे फिर कैची जाने के बाद से जो हमारा फालतू पार्ट है उसको हम ट्रिम टू लेट करके काट देंगे फिर उसको हम हल्का सा इसको उठा करके थोड़ा सा इसको स्क्वायर करके थोड़ा बड़ा कर लेंगे और जो हमारा फालतू का पार्ट जो पीछे बच गया है उसको हम क्या करेंगे उसको काट देंगे तो उसको काटने के लिए क्या करेंगे उसको सेलेक्ट करेंगे सेलेक्ट करने के बाद कैसी बजाएंगे और ट्रिम्प डायरेक्ट प्ले एड करके काट देंगे तो तीनों ऊपर वाले को भी हम ट्रिम ट्रिप्ट प्लेट प्लेट करके काट देंगे फिर हम आगे बढ़ते हैं तो -तुर। टिक है। तो मार के हम ओके करके ओके कर लेंगे उसके बाद आपको क्या करना है उसके बाद आपको वीडियो क्लिक करना है जैसे आप वीडियो पर क्लिक करोगे तो आपको सबसे नीचे दिखाई देगा एक क्रोमा की तो क्रोमा की में जाने वास्तवर इसको इनेबल करना है जो, जैसे हमारा आप देख सकते हैं बैकग्राउंड मेरा ब्लू है तो मैंने ब्लू अपने सेट करके रखा है मैंने ब्लू पर तो हम अपना ब्लू हटाना चाहते हैं तो ब्लू पे क्लिक कर देंगे उसके बाद से हम इस पर थर्टी सेवन तक का कम से कम रेशियो रखेंगे और इसको यहाँ से ओके कर देंगे ठीक है थर्टी सेवन तक रेशियो रखने के बाद से हम इसको यहाँ पे ओके कर देंगे ठीक है ओके करने के बाद से ओके okay करने के बाद से क्या करेंगे जो हमारा दूसरा वीडियो उस पर क्लिक करने के बाद से क्रोमा की पे जाएंगे उसको भी इनेबल करके थर्टी सेवन रख देंगे इसको थर्टी तक रेशियो बना करके थर्टी सेवन तक रेशियो बना करके उसको हम रख देंगे और उसके बाद से हम उसको ओके कर देंगे ओके करने के बाद से जैसे आप इसको हो जाएगा उसके बाद से आपको स्प्लिट टू तो स्क्रीन पे जाना है और आपको यहाँ पे दिखाई देगा राइट राइट ऑप्शन ठीक है तो राइट पे क्लिक कर देना उसको जैसे आप नीचे पे लिक करके उसको राइट लेफ्ट करके क्लिक कर देना लेफ्ट क्लिक करने के बाद से आप देखोगे कि हम आपका वीडियो करके रेडी हो चुका है उसके बाद से अगर आपको वीडियो चला के देखना तो आप वीडियो ऐप में चला के देख सकते हो कि आपका वीडियो एकदम रेडी हो चुका है अगर आपको उसको सेव करना तो आपको यहाँ पर एरो का क्लिक दिखाई देगा आप उस पर जाकर क्लिक कर देना क्लिक करने के बाद से आपको यहाँ पे एक्सपोर्ट का दिखाई देगा ऑप्शन एक्सपोर्ट स्पॉट पर क्लिक करने का ये सेव होने